इस वक्त की बड़ी खबर गदर मूवी को लेकर आ रही है। मोस्ट अवेटेड मूवी गदर 2 आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने के बाद से इसके सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। ऐसे में मूवी टिकट को ब्लैक करने वालों की लॉटरी लग गई है। ब्लैक में टिकट बेचने वालों की लगी है लॉटरी। संजय टॉकीज की खिड़की पर बंद कर दी गई है टिकट बेचना। टिकट ब्लैक करने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने संवाददाता संदीप शर्मा से। जी संदीप, जैसा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म से ब्लैकमेलर्स सक्रिय हो चुके हैं टिकट को बेचने के लिए, तो इस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भारती, मैं बताना चाहूंगा कि गदर 2 जो मूवी है वो लॉन्च हो चुकी है और उसी को देखते हुए जो सिनेमाघर हैं, चाहे वो अधिकांश जो है सभी फुल हैं और सिनेमाघर फुल होने की वजह से जो है टिकट जो है ब्लैक का मामला जो है सामने आने आ रहा है। और ये कोई नया मामला नहीं है, कोई भी जो चर्चित मूवी होती है अगर वो लॉन्च होती है जो आप सिनेमाघर जो है फुल हो जाते हैं, हाउस फुल होने के चक्कर में टिकट ब्लैक, पूर्व में भी इस तरीके के मामले कई सामने आए हैं। तो वही एक मामला जो है आज फिर दोबारा सामने आया, क्योंकि जिस तरह गदर 2 की जो है रिलीज हुई है उसी को देखते हुए सिनेमाघरों में जो है इस समय फुल है और जो टिकट्स को जो लोग ब्लैक करते हैं, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें संजय टॉकीज के पास का वो जो है वीडियो बताया जा रहा है। संजय टॉकीज जो सिनेमाघर है उसकी जो है टिकट विंडो जो है बंद है और साथ ही कुछ लोग एक वीडियो में जो है टिकटों को वायरल करते हुए, मतलब टिकटों को बेचते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके। और फिलहाल अगर बात की जाए तो पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है और जो है जो प्रशासन अधिकारी हैं उनका कहना है कि वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, पूरे मामले में जांच पड़ताल कराई जा रही है। जी संदीप, यह कौन लोग हैं जो इस तरह टिकट को ब्लैक में बेच रहे हैं? क्या इस संबंध में सिनेमा घर संचालक से आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए जो लोग हैं, क्योंकि बात की जाए जो सिनेमा घर संचालक हैं चाहे वो मैनेजर हो, तो उन लोगों का कहना है कि टिकट्स तो हमारे यहाँ सभी फुल हो चुकी हैं, लेकिन एक ये बड़ा प्रश्न है कि जब टिकट्स जो है फुल है और लेकिन ये लोग फिर कौन है जो बाहर जो है ब्लैक में जो है टिकट बेच रहे हैं? तो उनका कहना है कि इस मामले में हम लोग है पूरी जांच पड़ताल करा रहे हैं। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी इस वीडियो का जो है संज्ञान ले लिया है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और जो लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं जो टिकट को ब्लैक कर रहे हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई की बात कह रही है। जी संदीप, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खबर पर अपनी नजरें बनाए रखें। आपको एक बार फिर से बता दें कि गदर 2 आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने के बाद से इसके सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। ऐसे में मूवी टिकट को ब्लैक करने वालों की लॉटरी लग गई है। आगरा में भी टिकट ब्लैक करने वाले शातिर सक्रिय हो चुके हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।